स्वागत है आप सबका. गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत. अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग. मेरा पिक ऑफ द वीक है डिवीज लैब. 3822 बंद है. इस तरह से पिछले वीक आउट परफॉर्म किया, रिजल्ट्स भी अच्छा है. मुझे लगता है ये वीक भी आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा. 3774 3774 का स्टॉप लॉस होगा, एक 60 रुपए का, 1.5-2% का. और मेरा टारगेट 4000 का है, 4005 का मेरा टारगेट है. मुझे लगता है ये कम से कम यहाँ से 180 से 200 रुपए की अपू दे सकता है या अगले पूरे वीक में. ओके, 4000 के पार जाने की तैयारी डिविज. ऐसे में यहाँ खरीदारी की राय हफ्ते भर के लिहाज से. कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर. सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु. अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय है और खरीदना है कोटक महिंद्रा बैंक. अनिल जी कोटक महिंद्रा बैंक लेट मूवर है, बाकी तमाम बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में हमने शुक्रवार को एक बड़ी अच्छी तेजी बनते हुए देखी और मुझे लगता है कि अनिल जी ये स्टॉक अब आउट परफॉर्म करेगा, कैचअप करेगा बैंक निफ्टी के साथ, तो इसमें खरीदारी करके चलें. यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 1950 रुपए का स्टॉप लॉस रखें. पहला टारगेट 2035 का, 2035 का, और इवेंचुअल टारगेट 2055 का होगा, जिसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की राय. ओके बंसल जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक सर. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी मेरी भी पिक ऑफ द वीक वही है जो वागले जी ने लिया है, डिवीज लैब के साथ जाना चाहूंगा. डिवीज लैब एक नया, जैसे भागली जी ने 4000 के ऊपर के लेवल दिए, मैं थोड़ा सा 4000 के नीचे में टारगेट दे रहा हूं. 3775 का स्टॉप लॉस है, 3970 का टारगेट है और डिवीज लैब है मेरा पिक ऑफ द वीक. ओके, स्टॉप लॉस सेम है, टारगेट थोड़ा सा नीचे 30 रुपए 35 रुपए, 3970 का. सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है. ओके सुमित जी अभी जुड़ना बाकी है. विश्वेश जी हमारे साथ है. विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांश. देखिए मेरा ऐसा मानना है कि एंटरटेनमेंट सेक्टर के जो नंबर्स आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं, तो उसके चलते सन टीवी के नंबर्स पेंडिंग है. मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने की उम्मीद कर रहा हूँ. मैं रिव्यू कर रहा था नंबर्स और मुझे समझ में आ रहा है कि पूरे मीडिया सेक्टर में सन टीवी के ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे हाइएस्ट है, 66% ऑपरेटिंग मार्जिन है. और मेरा जो रीजन है वो टेक्निकल है, बहुत बड़े चार्ट पे काफी बड़ा ब्रेकआउट है और मैं रिव्यू कर रहा था. अनिल जी देखिए ओपन इंटरेस्ट ऑन द सन टीवी इज द हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन द लास्ट 2 years एंड स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट ऑफ द 2 year रेंज, तो मुझे लग रहा है सन टीवी यहाँ पे खरीदना चाहिए. 550 के आसपास मिलता है, 530 तक खरीदिए. मुझे लग रहा है 500 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के 650 के टारगेट के लिए ये वीक में होल्ड करने की सलाह होगी सन टीवी. ओके तो सन टीवी में करें खरीदारी, ये राय है विश्वेश जी की तरफ से. जय बताइए आपकी कौन सी पिक. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु. अनिल जी कोटक बैंक से तो मैं सहमत हूँ, यू नो जो कुणाल जी ने कहा. इनफैक्ट मेरा वहां पे ऑलरेडी कॉल ऑप्शन रेकमेंडेड है और वहां पे तो तेजी देखने मिलेगी. बैंकिंग साइड पर लेट मूवर है, बट देन फार्मा स्पेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक में हमें और तेजी देखने मिलेगी और उसमें से अजंता फार्मा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी दौड़ लगा सकता है. अगर आप देखिए तो यू नो एक अच्छे ट्राइंगुलर पैटर्न में से ये स्टॉक में से ब्रेकआउट आया एंड मोमेंटम में फिर से क्लियर बाय क्रॉसओवर देखने मिला है अजंता फार्मा में, तो करीब 1814 के आसपास ट्रेड कर रहा है कि क्लोज हुआ है ये स्टॉक. मैं कहूंगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1814 के आसपास. यहाँ पे एनर्जी स्टॉप लॉस नीचे में पोजिशनली वीकली पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ तो 1750 का लगाना है, 1750 का. बट ऑन दी अपसाइड जो टारगेट इसके बनकर आ रहे हैं वो बहुत ही अग्रेसिव टारगेट है ये वीक के लिए. फर्स्ट टारगेट बनेगा 1910 का, सेकंड टारगेट बनेगा 1940 का. 1910-1940 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चल सकते हैं अजंता फार्मा ये हफ्ते के लिए. ओके अजंता फार्मा में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय जय की तरफ से. जैन साहब भी हमारे साथ है. जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं. यस सर, अनिल जी लिस्ट तो बड़ी है और आई एम वेरी बुलिश. मुझे लगता है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जबरदस्त परफॉर्म करेंगे इस वीक में भी. और वैसे जस्ट एक मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मैंने जो वीकेंड शो पे मैंने इंट्राडे एफएनओ की पिक दी थी वो डॉक्टर रेड्डीज है. दूसरा मैंने बेयर क्रॉप साइंसेज कैश मार्केट का इंट्राडे पिक दिया है और नेटको फार्मा मैंने पोजिशनल पिक के तौर पर दिया और गुडियर टायर्स मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर दिया. बट अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पिक्स ऑफ द वीक में मैं ईआईएच लिमिटेड, मुझे ऐसा लगता है कि होटल सेक्टर शुड डू वेरी वेल
और देखिए जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में EIH लिमिटेड कैन डू वेरी वेल. EIH एसोसिएटेड तो मैंने दे ही रखा है और दूसरा है टिमकेन इंडिया. तो ऑलरेडी आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द ऑटो इंसिलरी सेक्टर और जबरदस्त नंबर्स आ रहे हैं ऑटो इंसिलरी में और टिमकेन इंडिया कैन बी अ ग्रेट बेट. ओके EIH टिमकेन ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय जिन साहब की तरफ से. सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. सुमित जी बताइए आपकी पिक. गुड मॉर्निंग अनिल जी. अनिल जी पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओरो फार्मा को सिलेक्ट करना चाहिए. ओरो फार्मा पिछले हफ्ते लास्ट के दो दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखाया और इस हफ्ते में ये बाउंस कंटिन्यू होना चाहिए और एक अच्छा अपसाइड मूव में कन्वर्ट होना चाहिए. 930-940 के आसपास ओरो फार्मा के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा. जिन्होंने खरीदारी करके रखा हुआ है वो लोग पोजीशंस को होल्ड करें क्योंकि इस हफ्ते में ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा जिसमें 980,000 रुपए के इमीडिएट टारगेट होंगे और इस बार 1,000 रुपए का लेवल क्रॉस होना चाहिए और 1,025 रुपए तक के लेवल अरविंदो फार्मा के अंदर इस हफ्ते में देखने का पॉसिबिलिटी है. तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 910 के स्टॉप लॉस से 980,000 रुपए तक के टारगेट अरविंदो फार्मा में देखने को मिल सकता है. ओके तो ओरो फार्मा, अजंता फार्मा, डिवीज लैब, तीन फार्मा पिक हैं आपके लिए इस हफ्ते के लिए. और ऑफ कोर्स कोटक बैंक पर मोमेंटम रहेगा, सन टीवी भी नजर में है, EIH लिमिटेड और टिमकेन इंडिया. जैन साहब.